सब्सक्राइब करें News89 चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे तेज सबसे पहले खबरें देखने के लिए। धन्यवाद। वार्ड नंबर 9 में हो रहे उपचुनावों को लेकर आज भाजपा के उम्मीदवार श्री नरेंद्र नागपाल के हक में चुनाव प्रचार करने राजपुरा पहुंचे महासंगठन मंत्री पंजाब दिनेश जी व श्री गिरधर लाल जिंदल ने पहले वार्ड नंबर 9 में भाजपा के चुनावी दफ्तर में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ विशेष बैठक की व बाद में भाजपा के उम्मीदवार श्री नरेंद्र नागपाल के हक में चुनाव प्रचार भी किया। इस मौके पर आए हुए भाजपा कार्यकर्ताओं को जहां महासंगठन मंत्री श्री दिनेश जी द्वारा संबोधित किया गया, वहीं बैठक में भाजपा उम्मीदवार श्री नरेंद्र नागपाल ने भी उन्हें वोटें डालने की अपील करते हुए कहा कि कार्यकर्ता दिन रात एक होकर के घर घर जा रहा है, संपर्क कर रहा है। कार्यकर्ताओं को 3 बातें मैंने बताई हैं, क्योंकि ये चुनाव जो वार्ड और प्रधानी के होते हैं, लोकसभा के चुनावों का डिफरेंट मुद्दे होते हैं, विधानसभा चुनाव के डिफरेंट मुद्दे होते हैं, लेकिन ये चुनाव लोकल चुनाव होता है, तो उनको कहा है डोर टू डोर कॉन्टैक्ट, मैन टू मैन अप्रोच, हार्ट टू हार्ट टॉक, ये यदि कर लेंगे तो उसमें क्योंकि रिलेशन का रहता है, परिवार का रहता है, छोटा चुनाव होता है, घर घर संपर्क का रहता है, तो इस दृष्टि से मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ 4 बूथ हैं और वार्ड नंबर 9 है, 3500 वोट हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। हमारा कार्यकर्ता और यहाँ की टीम सक्षम नहीं है। प्रधान जी, ऐसा है कि अभी तक जो अपने वार्ड के गलियों के मुख्य साहबान हैं वो इनके साथ ही हुए, ना ही इनकी मीटिंग में आते हैं, क्या करना है? आप अभी देख रहे हैं ना, इसमें कोई कार्यकर्ता ऐसा नहीं बैठा है जो यहाँ उपस्थित है। सर यहाँ तो वार्ड में जी हैं, इधर तरुण जी हैं, बब्बर जी हैं, ये हैं, नंदलाल जी हैं, छाबड़ा जी हैं, तो जिन पे धक्केशाही की थी, जिन पे रिजाइन करवाया, जिनको प्रताड़ित किया प्रशासन ने, जिस हद तक कांग्रेस जा सकती थी निम्न स्तर पर, वो कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हैं, उससे न डर करके और उनके मन किसी के मन में क्या रखा है ये तो नहीं कह सकते, इसके मन में क्या रखा है ये तो नहीं, हमारा तो काम जो पार्टी का है उससे हम इस काम को करते करते 19 राज्यों में सरकार बना चुके हैं, इस काम को करते करते केंद्र की सरकार बना चुके हैं, यही काम अपना कार्यकर्ता का है, उसको हमने प्रेरणा देनी है। क्या फेस रीडिंग से या दिल्ली से पता चलेगा या हमारे पक्के मुझे क्या पता है, चेहरे से पता नहीं लगता, बड़े सीधे साधे लगते हैं और बदमाश होते हैं, मर्डर करके आते हैं, चेहरे बहुत सीधे लगते हैं, इसे किसी के मन की बात नहीं है। इस मौके पर जिला युवा मोर्चा के प्रधान अजय चौधरी, भाजपा नेत्री डॉक्टर शिल्पी चौधरी, डॉक्टर अभिषेक चौधरी, पूर्व प्रधान नगर कौंसल श्री प्रवीण छाबड़ा, पूर्व चेयरमैन श्री नंदलाल शर्मा, स्वर्गीय श्री राज खुराना जी के बेटे तरुण खुराना, यश टंडन, श्याम सुंदर वधवा, एडवोकेट किशन सिंह, नरेश धीमान व संजीव मित्तल ने भी भाजपा उम्मीदवार श्री नरेंद्र नागपाल के हक में चुनाव प्रचार किया। राजपुरा से कैमरामैन ललित कुमार के साथ मीडिया पर्सन संदीप चौधरी, दिनेश सचदेवा, News89। सब्सक्राइब करें News89 चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे तेज सबसे पहले खबरें देखने के लिए। धन्यवाद।